उनका था कि इतना में हमारे सब सीट आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उनके खिलाफ में इतना प्रचंड वोट पड़ा कि जितने भी जो 4 लाख से जीतने वाले लोग 60,000 से जीते हैं, 50,000 से जीते हैं, और वहाँ तो आंकड़ा दिखा रहा है कि बीजेपी 99 से नीचे रहना चाहिए था। कहाँ पर? पूरे जो जितने सीट पर दिखा रहा है कि बढ़ा हुआ है, अगर वो सही से जांच हो तो बीजेपी 100 से नीचे आ जाएगी। प्रधानमंत्री मतगणना के 8 चक्र तक पीछे रहे, यह इस बात का द्योतक है कि जनमानस में उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई, यानी कि ह्रास हुआ है। कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज की उसूलों से। इसी रचना को एक सेम कवि ने उल्टा कर दिया कि सच्चाई छुप जा भी सकती है जिस बनावट में मेल हो, और खुशबू आ जा भी सकती है जिस कागज के फूलों में बनफूल का तेल हो। आरजेडी वाले बिल्कुल जीतना चाहिए। चल रहा है क्या कह रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है क्या? वो जो जितने भी ईवीएम में मशीन में जो दर्ज हुआ है और जो दिखाया गया जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। अभी बहुत ज्यादा इलेक्शन कमीशन तो कह ही रही है कि आप हैक करा लीजिए। हाँ तो एलन मस्क को जवाब दे। वो एलन मस्क को तो बोल दिया कि हो रहा है, हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सब खुश हैं? जो सरकार बनाए वो तो खुश है ही। देखिए, आपने गौर किए होंगे, वो 50,000 से 1 लाख के बीच में किया गया। अच्छा। ठीक है, उनका था कि इतना में हमारे सब सीट आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उनके खिलाफ में इतना प्रचंड वोट पड़ा कि जितने भी जो 4 लाख से जीतने वाले लोग 60,000 से जीते हैं, 50,000 से जीते हैं, 28 वोट से जीते हैं। तो वो अभी चल रहा है, अगर सही वहाँ पर हुआ तो दिक्कत होगी इनको। वहाँ तो आंकड़ा दिखा रहा है कि बीजेपी 99 से नीचे रहना चाहिए था। कहाँ पर? पूरे जो जितने सीट पर दिखा रहा है कि बढ़ा हुआ है। हाँ। अगर वो सही से जांच हो तो बीजेपी 100 से नीचे आ जाएगी। हाँ, मोदी जी के भी आंकड़े पर सवाल उठाए। हाँ, देखिए मोदी जी लगातार 1 बजे तक जो है 11,000 वोट से पीछे, 8 राउंड पीछे रहे। क्या क्या कह रहे? देश के प्रधानमंत्री मतगणना के 8 चक्र तक पीछे रहे, यह इस बात का द्योतक है कि जनमानस में उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई, यानी कि ह्रास हुआ है। और अभी आप बोले कि इस चुनाव के परिणाम से सब लोग खुश हैं, तो ये मुकेश के गाना हो गया, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। मतलब सब खुश है ऐसा हमें नहीं लगता। हमें तो इस बात का गम है कि हमको 25 सीट से ऊपर आना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि बार बार हम लोग को आशंका होता है ईवीएम के ऊपर, और अभी वर्तमान में 3-4 दिन पहले एक बयान भी आया था कि ईवीएम हैक हो सकता है, तो हम लोग को पुष्टि करता है हमारे जो हृदय के अंदर जो गांठ पड़ गया है ईवीएम के खिलाफ में, वो सत्य प्रतीत हो रहा है। लेकिन जहाँ पर विपक्ष जीतती है वहाँ पर ईवीएम पर क्यों नहीं सवाल उठता है? वहाँ पर भी तो सवाल है ना। मैं जीता कितना से? 40,000 से, 80,000 से। हमको जीतना चाहिए था कम से कम 3 लाख से, 3 लाख 4 लाख से। मतलब वोट में गिरावट आई? वोट में गिरावट कर दिया गया, कर दिया गया। हाँ, बनावटी हिसाब में। हाँ। लोग कहते हैं कि एक बात बता देते हैं आपको कि एक बहुत अच्छा शायर थे, वो लिखे हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसी रचना को एक सेम कवि ने उल्टा कर दिया कि सच्चाई छुप जा भी सकती है जिस बनावट में मेल हो, और खुशबू आ जा भी सकती है जिस कागज के फूलों में बनफूल का तेल हो। समझे ना? तो इसी प्रकार से हम लोग जीते, जितना चाहिए था ढेर सारे सीट, लेकिन हम लोग के जो जहाँ पर जीते वहाँ पर हम लोग को जिताया 40,000 50,000, क्योंकि तो पहले ही से उसमें घुसपैठ ना करा दिया था ईवीएम में, घुसपैठ था। और यहाँ पर हम लोग हो गए ऐसे ही सुना हो गए। हमको जितना था 25, हम हो गए यहाँ पर 4, सब मिला के 10। बस तब तो गड़बड़ बात हुआ, बहुत भारी घोटाला ईवीएम को। उद्देश्य से दो दिन राजभवन में रुके। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री को? ये सब आशंका था कि यहाँ पर 25 प्लस ही लोग को सीट आने जा रहा है, इसलिए राजभवन में दो दो दिन आके यहाँ बैठे। पटना में?
हाँ पटना में, उसके बाद यहाँ पटना में प्रधानमंत्री होकर रोड शो करना पड़ा, और हर एक सातों चरण में हर बार बिहार आए। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री हो, तो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ ये हम कहाँ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग का जिस तरह से बीजेपी का जो गाड़ी का चेक नहीं होना और पैसा का खेल हुआ, वो शायद बिहार के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, इतना खर्चा शायद ही कोई किया होगा। स्वागत कर ही रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री के तो स्वागत इस धरती पर किया ही गया, और हम लोग करने वाले लोग भी हैं, अतिथि का हम लोग स्वागत करते हैं। अच्छा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री लगातार राजनीतिक यात्रा इतना किए बिहार में कि इसके देख के हम लोग के आँख थक गया देखते देखते। भाई बाप रे बाप। हाँ ना तो सब नेता करते हैं, कहाँ कोई नेता। तेजस्वी यादव तो लीजिए, तेजस्वी यादव को घेरा जा रहा था 30-40 हेलीकॉप्टर से, 3000 नेता से, लेकिन एक गरीब का बेटा अकेले लड़ रहा था। अकेले सब पर भारी पड़े, भारी, बहुत भारी। हम पहले भी बोले थे आपको कि 400 पार, आप बोले थे कि नारा है 400 पार, मैंने बोला था बातें बेकार। सिर्फ 5 लाख रोजगार, क्योंकि इसका नाम है बिहार, यहाँ बिहार है, हम लोग यहाँ से राजनीति की उत्पत्ति होती है बिहार से ना, यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो राजनीति के नब्ज को भापते हैं। आपने प्रशांत किशोर जी का नाम सुना, उन्होंने कहा कि 400 पार होंगे, लेकिन राजनीति का विश्लेषण करने वाले एक जोगेंद्र यादव जो जमीनी स्तर पर राजनीति की मैंने विवेचना करते हैं, वो उन्होंने कहा था कि इनकी सीट आएगी 180 से लेकर 230। प्रशांत किशोर तो बोल रहे कि विधानसभा में 203 सीट नहीं ले पाएंगे जेडीयू, 203 सीट, 203 सीट नहीं आएगी जेडीयू को। वो गड़बड़ बात कर रहा है ना, वो भी राजनीति के पार्टी एक बनाया है वो। हाँ, जन सुराज पद यात्रा है। हाँ, उनका यात्रा जो है ना, कब उनका यात्रा जत्रा में बदल जाएगा हमको संभव नहीं है। वो चाह रहे हैं राजनीतिक दबाव बनाना, बाईकास्ट लगता है कि वो पंडित जी हैं, और वो चाह रहे हैं कि हमारा राजनीतिक में प्रवेश हो किसी दल उल बना करके मंच के माध्यम से, और उसमें वो ब्लैकमेल के राजनीति करेंगे प्रशांत किशोर जी। उनके हाँ उनके ऊपर हमको पहले विश्वास था कि बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन अब हमको लगता है कहीं ना कहीं स्वार्थ से और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो ऐसा मैं कामना करता हूं, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो ये भी मैं विश्वास रखता हूं अंदर, क्योंकि अच्छे नेता भी हैं, और राजनीति के वो तो पैसा उसे ले के पहले ना पार्टी के मार्गदर्शन देते थे। एक बार लालू जी उनको बोला था कि बिहार के कखाड़ा क्या है आप जानते हो, 2015 की बात मैं बता रहा हूँ, मैं लालू जी के यहाँ उनके आवास पर बैठा था, लालू जी पूछे कि बिहार के बी कहाँ से चालू होता है, तुमको पता है, तुम क्या कर रहे हो कि सत्ता आ जाएगी। अरे वोट का परसेंटेज गणित ना, राजनीति गणित है, इसमें संख्या बल पर्याप्त होते हैं, संख्या बल पर आधारित राजनीति होते हैं। अगर आपकी संख्या पर्याप्त नहीं होगी आप सदन में बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते, ठीक है। तो उस समय राजनीति का जो वोट का जुटान हुआ था 2015 में, उस समय बने हुए थे नीतीश जी के सलाहकार में, तो लालू जी बोले थे कि जब वोटे इतना जुट के इतना सीट आएगा, तुम क्या बता रहे हो कि इतना सीट आ जाएगा। तो यही सब बात है मैडम। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर। लोकतंत्र में सब लोगों का सवाल, कितनी सीटें आएगी हम कहाँ कह सकते हैं। बिहार में इतने सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसमें भी एक व्यक्ति हैं संघर्ष करने के लिए अपना, ठीक है पार्टी बनाएंगे तो आएंगे लड़ेंगे। वो लड़की थी वो पुष्पम प्रिया। पुष्पम प्रिया की तरह ही ये भी अपना प्रयास, देखिए जिस तरह से ये गांव का पदयात्रा किए थे लोगों में इनमें विश्वास जगा था, ठीक है। लेकिन ये जो दिल्ली में जाके और जिस तरह से बीजेपी का, तो अब पूरे बिहार के जितने भी जनमानस के मन में ये आ गया है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के पैसा पर वो अपना पूरे बिहार घूम रहे थे। बहुत उनसे बात हो गई है। आरक्षण की याचिका जो है वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब देख लिए यहाँ का मुख्यमंत्री का इतने 2 साल से जो बिहार के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए जाति जनगणना करवाए, आरक्षण की जनता का पैसा से आरक्षण देने का काम किया दोनों पार्टियों ने, गठबंधन का पार्टी ने, और वो है तुरंत में इनको खारिज कर दिया गया। तो इनका तो कहीं कुछ चलता है नहीं, मुख्यमंत्री जी का ये तो पूरे जनता का विश्वास खो दिए। जनता तो साथ था कि हमारा जाति जनगणना से लेकर और आर्थिक
चंद्रना हुआ आरक्षण मिला, लेकिन उस पर तो खड़े नहीं उतर पाए। और क्या करना है, तो तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि अगर एनडीए की सरकार आई तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, सही हो रहा है? उन्होंने अब पहले ही अवगत करा दिया था कि अगर एनडीए की सरकार आएगी तो वास्तव में आरक्षण खत्म हो जाएगी, आपने सामने देख रहे हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव अब आने वाले विधानसभा में इस मुद्दे को? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा लेके चलेंगे। जो बिहार के जनता के साथ छल किया गया है वो तो सबके नज़र में है, जनता के जनार्दन के नज़र में, तो अपना उसका सही समय पर वो मूल्यांकन करेगी और जवाब देगी एनडीए सरकार को। देखिए आरक्षण पर जो है हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और इस पर हमने पटना के लोगों से जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।